अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फहमदीद इकबाल, आप देख रहे हैं अमजद डेकोरेशन मास्टर। आज वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं मीटर का जो सेटिंग करने का तरीका सारा, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा किस तरह आपने मीटर के अंदर प्लेटें लगानी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह मुझे मैसेज कर रहे थे यार हम कहाँ से ले लगवाएं। बहुत ईजी है, आप खुद भी लगा सकते हैं या आप ये बनवाना चाहें तो अपने इलाके के अंदर किसी भी मैकेनिक के पास ये ले जाएं, उसको ये वीडियो दिखा लें। इजीली है, बहुत आसानी से मैंने बता दी है, तो इस तरह आप फिट करवा सकते हैं वहाँ से जाके, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कहते हैं यार इसमें और कौन से डिज़ाइन है, कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं सारे डिज़ाइन के जो लिंक हो गए डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। 125 हुंडा 125 के और यामाहा 125 के भी जितने डिज़ाइन मेरे पास मोबाइल में पड़े हुए हैं, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट से पहले वही आप लोग के साथ एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली दफा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि इस तरह की जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, ठीक है जी। चलें जी, करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये डिटेल पूरी के साथ ला रहा हूँ, मिस्टेक नहीं आपने करनी, मसलन स्किप करेंगे तो मिस हो जाएगा, आपने स्किप नहीं करना। मैंने बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल पूरी पूरी चीज़ें आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं इसके अंदर दिखाना, बाकी हर चीज़ स्किप कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेट्स गो जी। तो ये भाई ने मीटर की बॉडी वगैरह उनका कुछ टूटा हुआ था पीस जो है, ये खराब देख रहे हैं आप, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार ये चेंज भी करनी है साथ में, मैंने कहा चले साथ में वीडियो बना लेते हैं। वैसे तो बेसिकली सिर्फ मीटर की प्लेट्स वगैरह लगाने के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलें इसकी वीडियो बना देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि दूर से नहीं आ सकते, ये तो हमारे पास सियालकोट से आए थे, वो मेरे पास आ गए लेके, तो मैंने कहा कि टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा वीडियो बना दूँ। तो और इसके अलावा आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो इसके अंदर डिज़ाइन जितने भी हैं ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी जो है ना लिंक दे दूंगा, 125 हुंडा 125 या महा 125 के भी, ताकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाए, ठीक है। मैं पहले इसकी बॉडी चेंज कर लूँ, मशीने दर डाल लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह हमने इसका सामान वगैरह प्लेटें चेंज करनी है, ठीक है जी। तो मैं आपको पहले तरीका बताता हूँ प्लेटें ओपन कैसे करनी है हमने, ठीक है। अगर तरीका बताने लगा हूँ, आपने क्या करना है, इसके नीचे वाली साइड से आपने किसी भी चीज़ के साथ तो ऊपर उठाना है, ठीक है, लेकिन ऊपर उठाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है जी। तो आपने करना इसका क्या है, पहले लॉक से सुई को बाहर निकालना है, जैसे ये वाली है, ये देख लें ये वापस आ रही है, इसको आपने हल्का जैसे उठाना है, लॉक से बाहर निकालना है, ठीक है। लॉक से बाहर निकालेंगे तो फिर आपकी सुई जिस जगह पे हो रुकेगी, ऐसे आपने खींच के छोड़ देना है इसको, ठीक है। ये जिस जगह पे ये रुकती है ना आके, ये सुई आपने लॉक से बाहर निकाल के छोड़ना है, ये देखें जैसे ये है ना सुई, बाहर लॉक से बाहर निकालेंगे, जिस जगह पे इसने रुकना है वहाँ पे आपने इसको नोट कर लेना है, जहाँ पे ये रुक जाएगी वो फाइनल आपका, वहाँ पे आपने सुई जब लगानी है बाद में सुई उस जगह पे लगा के छोड़नी है, ठीक है। वो होगा क्या कि बाद में ऑटो एडजस्टिंग सेटिंग जो है ना उसकी अपनी प्रॉपर वहाँ पर आएगा। इसके बाद फिर आपने इस प्लेट को निकालना है, पहले ये चीज़ें जो मैं नोट करवा रहा हूँ आपने इसको मिस नहीं करना किसी चीज़ को भी, ये जो लॉक से बाहर सुई निकालनी है ये आपने मस्त लाजमी करनी है, अगर ये आपने नहीं करनी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बाइक के ऊपर कनेक्शन इसके करके फिर आपको दोबारा से सेट करके फिर मीटर बंद सेट करना पड़ेगा, मतलब कि उसको ऑन करके वहाँ पर सेटिंग होगी सारी, ठीक है। ये आयल गेज है, ये आपने अब चेक क्या करना है कि ज़ीरो के ऊपर आपकी किस जगह पे आती है, ठीक है। ये आपने प्लेट बाहर निकाल लेनी है, इसको आपने छोड़ देना इस तरह थोड़ी देर के लिए, ये आस्ता आस्ता अपनी जगह पे आएगी, जैसे आप ऊपर का छोड़ते हैं आस्ता आस्ता वापस जिस जगह पे इसने रुकना है ना आके, उस जगह पे आपने बाद में एक पिक्चर बना लेनी है इसकी, बॉयल के साथ आपने एक इसकी पिक बना लेनी है, उसके साथ क्या होगा कि आपको बाद में प्लेट जो नीडल्स लगानी आसान नहीं हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना, पाँच मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि सुई ने जितना नीचे या जिस जगह पे आना है वहाँ पे वो आ जाए एक दफ़ा, ठीक है। मैं ज़रा वीडियो कट करके फिर आपको दिखाता हूँ, जितनी उसने नीचे आना होगा या आगे पीछे होना होगा थोड़ी देर के वेट करूँगा इसका मैं जी। तो जनाब ये देखें, अब ये हमारी जो है ना बिल्कुल रुक चुकी है,
आपने बिल्कुल ऊपर से एक दफ़ा इसकी पिक बना लेनी है इधर। वो क्या होगा कि आपको याद रहे कि किस जगह पे सुइयाँ आपकी आ चुकी थी, ठीक है। ये आपने काम लाजमी करना है, इसको बोलना नहीं है, ठीक है। ये हमारा फाइनल हो चुका है। इसके बाद आगे क्या करना है, प्लेटें किस तरह खोलनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने इस तरह नीचे से इसको उठाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखें, ये सुई आपकी वायर आ गई है, ओके। इसी तरह आपने इसको भी निकालना है, ये भी सुई आपकी आ गई है, ठीक है। इसको भी आपने ऊपर उठा के निकाल लेना, ये वायर, ये आपकी सुइयाँ बाहर आ गई हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसको प्लेट को ओपन करना है, ठीक है। ये प्लेट आपकी बाहर आ गई है, इतना आपने काम कर लेना। उसके बाद आगे मैंने इसकी बॉडी चेंज करनी है, ठीक है। ये मशीनें इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। जी तो जनाबे वाला, ये हमारा सामान है, इस तरह आपने काम कर लेना है। ये इसको ओपन कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसका इसके नीचे साइड पर लाइट आनी है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो बैक साइड से ये पीस है, इनमें से लाइटें निकाल देनी है तीनों में से, ये जो बल्ब है इसके, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएंगे, तो बाकी मैं आपको बताता हूँ इसका हमने फिटिंग इसकी करनी क्या है। जो इसके अंदर मैं अभी प्लेटों का स्टाइल लगा रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा जो स्टाइल होते हैं वो मैं सारे आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो मैं लिंक डालूँगा सारे से मुराद के 125 होंडा 125 के डिज़ाइन जो होंगे वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, ठीक है। तो जितने डिज़ाइन भी उसमें पड़े हुए हैं तो मैं सभी के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यामाहा के अंदर जो इसके अलावा जो डिज़ाइन है वो भी मैं इसके अंदर ही डाल दूंगा, ठीक है। तो जो लोग बनाना चाहेंगे वो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट वगैरह का मेथड सारा मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूँगा। उसके अलावा जो पेमेंट वगैरह का सिलसिला हमारा वो हम लेते हैं एडवांस में, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है, कि पेमेंट जो होगी वो हम लेंगे एडवांस, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने ऐसा किया है कि वैसे ही काम रेडी कर दिया, चलें बाद में भाई कहते हैं यार पैसे मैं भिजवा दूँगा, टेंशन लेनी। तो मैं सभी को नहीं कह रहा सभी ऐसा करते हैं, लेकिन उस लड़के ने क्या किया, उस वक्त उसने मुझे बोला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, सिस्टर को ले कर आया हूँ इधर, तो मैं इधर से फ्री होकर फिर आपको पेमेंट कर दूंगा। मैंने सामान भेज दिया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मुश्किलें वगैरह होती रहती हैं, तो मैं चले कोई बात नहीं भेज देता हूँ। मैंने भेज दिया, उस दिन के बाद एक दो दफ़ा उसने रिप्लाई किया मुझे मैसेज का, फिर उसने उसके बाद मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं मैसेज भी दो चार दफ़ा किए हैं, तो एक दो के और साथ भी ऐसा मेरा मामला हुआ है, जिसकी वजह से फिर मैंने फ़ाइनल डिसीजन यही लिया कि जो भी काम करवाना किसी ने होगा पेमेंट मैं पहले लूँगा, उसके बाद काम होगा, ठीक है जी। तो बस जैसा दिल मानता है वो तो दोबार करते हैं, यकीन करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं इधर से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा सोचा भी नहीं है किसी के साथ फ्रॉड करने का, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है फ्रॉड करने की, जो किस्मत में मिलना वही है। अच्छा तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये लाइट इस तरह आपने सब में राउंड के अंदर लगा लेनी है, ठीक है, इस तरह। इससे क्या होगा कि आपकी प्लेट जो है ना चारों तरफ से बराबर ग्लो करेगी, ठीक है, इसके रूम के अंदर पूरे के पूरे अंदर रोशनी हो जाएगी, तो प्लेटें हर तरफ से सही ग्लो करेंगी, ठीक है। इसके बाद आपने इसका ये मीटर फिट कर देना है, ठीक है जी। इसका पेच लगा दें, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको नीडल कैसे आपने सेट करनी है इसकी। और मुझे पूछा जाता है यार ये कहाँ से फिटिंग होगी, या आप इस इलाके से बता दें,
देखें हर सिटी के अंदर, मुझे तो नहीं इलम कौन सी सिटी में कौन सा लड़का या कौन सा कोई कारीगर बैठा हुआ काम कर रहा है ये वाला या कर देगा ये वाला। तरीकाकार ये होता है, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों ने जब भी ये काम करवाना हो, पहले ये मेरी वीडियो जो है ना वो मार्केट में जा कर किसी को दिखा लिया करे कारीगर को कि ये हमारा काम है, इस तरह हमें चाहिए, क्या आप ये कर देंगे। अगर वो कहता है हाँ कर दूंगा तो फिर सामान मंगवाया करें, ठीक है। वैसे मुश्किल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है ना मार्केट से एक दफ़ा पता करवा के फिर अगर खुद कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह हम पहले ये वाली प्लेट फिट कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ आगे का कैसे करना है। जैसे आपको बेहतर लगे आपने उस तरह इसको फिट कर लेना है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको जिस तरह मुनासिब लगता है, जिस तरह आप समझते हैं कि ये इजी है इस तरह, तो आप इसको उस तरह फिट कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपने उसी से करना है, मकसद ये है कि ये हल होना चाहिए, इसको लगना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। लगाना मेन मकसद है, तरीका आप कोई भी यूज़ करें। जी तो जनाब भैया तीसरा पीस जो है वो हम इस तरह तीसरी प्लेट रेडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इसके बाद हम इसको चला के चेक करेंगे। के बाद जनाब हमारी बार आ रही है नीडल की, नीडल हम फिट करेंगे। आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है इसको, ताकि वो पकड़ जो ना अच्छी सी पकड़ कर ले। ये हमारी जो इस पर नीडल थी ये हमारी आ रही थी इस जगह पे, ये लाग के बिल्कुल साथ आ रही थी, तो हमने उसी सेहत में रख के इसको पहले लगाना है, ठीक है। इसके बाद दूसरी नीडल है हमारी, उसकी थोड़ी सी कटिंग करनी है आपने। आपने इसके ऊपर ला के इसको ऐसे आपने अंदाज़ा लगा लेना कितनी आपने कटिंग करनी है, ठीक है। उसके हिसाब से आप बाहर निकालेंगे इसको, कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके रख के चेक करेंगे कि आपके नीडल कहाँ पे आ रही है, ठीक है या नहीं। देखिए आपका बिल्कुल तकरीबन ठीक साइज है। अब आपने इसको फिर इसी तरह प्रेस करना है और आपने पिक्चर से देख लेना ये किस जगह पे आया था, ये तकरीबन इस जगह पे सुई थी, ठीक है। इस जगह पे करके तो आपने इसको भी सेम उसी तरह प्रेस करना है। ये आपकी आयल गेज होगी, ओके जी। आप इसकी बार ये आपका पीस था इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। आपने उसी जगह पे पहले इसको पुश करना है, इस एंगल पे आप लेंगे इसको। ये आपकी थोड़ी सी सुई लूज रहेगी, इसके अंदर आपने पैकिंग थोड़ी सी लगानी है। किस तरह लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ।
आपने इसको पैकिंग कैसे लगानी है, क्या चीज़ करनी है इसके साथ, क्या है ये आपकी नीडल बिल्कुल फिट आएगी। ठीक है जी, उसके लिए आपको थोड़ी सी वायर का पीस लेना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ये वायर जो है, ये वायर है, इसको आपने क्या करना है, इस तरह फोल्ड कर लेना है, ये आपने इसके अंदर डालना है। इसकी कटिंग आपने पहले नहीं करनी, मैं बताता हूँ आपको कटिंग करनी कहाँ पे, इसकी ऐसे करके इसके अंदर डाल देना है इसको। इसके अलावा जो है ना ये सुई टाइट नहीं होगी, ठीक है। आप जितना भी इसको प्रेस करेंगे नीडल ख़राब हो जाएगी, वरना ये फिट नहीं होगे। अब सिरे इसके आपने एक साइड पे इधर और इधर टर्न करके अंदर जगह बना लेनी है, जिस जगह पे हमारे नीडल ने सेट होना है। इस तरह इसकी कटिंग होगी, ये देख रहे हैं वायर को मैंने साइडों पे मूव कर दिया हुआ है। ओके, अब हमने इसको अपनी जगह पर ऊपर फिट करना है। अब आपने फाइनल देखना है कहाँ पे आपने लगाना है इसको, उस जगह पर आके इसको प्रेस करना है, क्योंकि अगर आपने निकाल दी तो दोबारा से फिर पैकिंग दोबारा नए सिरे से लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, अब इसी तरह आपने उठा के इधर लगा देना है। ओके हो गया, अब आप मैं आपको ऊपरला पीस इसका लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके टेस्ट करेंगे। ये हमारा मीटर क्लोज हो गया। ओके, अब बाकी काम क्या रहता है, ये स्क्रू वगैरह लगाने का। ठीक है, तो जो ये आपके ये रबड़ थे ये आपने इधर वापस लगा देने हैं, इसके अंदर बल्ब निकाल लेने हैं, बाकी जो रबड़ हैं यहाँ पे आपने इसको वापस उसी जगह पे पुश कर देना है इस तरह, क्योंकि इधर से एयर वगैरह हवा जाएगी, कचरा वगैरह जाएगा, वो आपने इसको बंद कर देना है। ठीक है, इसके बाद उसी तरह दोबारा से आपने सारे स्क्रू टाइट कर देने हैं। स्क्रू टाइट करने के बाद फिर मैं आपको इसका चला के व्यू चेक करवाता हूँ। ओके, इसके मैं फिर आपको बता दूं, जितने डिज़ाइन हैं इसके अंदर मेरे पास जिनकी वीडियो बन चुकी है, उनके मैं कोशिश करूंगा आप लोग को जो है ना उनके वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूं। ठीक है, हुंडा 125 और यामाहा 125 दोनों के जो भी मेरे पास पड़े हुए वीडियोज़ हैं वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं आप जाके। तो ये मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।